Students, today we will read Mystery of the Talking Fan, poem from Honeycomb, class 7. Okay? Mystery of the Talking Fan means रहस्य है, जो बोलने वाला पंखा होता है उसका. क्या आपने कभी सीलिंग फैन देखा है रूम में? जब आप देखते हो तो कभी क्या होता है कि कोई फैन जो है वो आवाज करती है जब वो स्टार्ट होती है, ठीक है. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter. एक बार क्या हुआ कि मैंने जो है चलते हुए फैन को देखा था जो कि इलेक्ट्रिक से चल रहा था, यानी इस जब जैसे ही ऑन होता था वैसे ही चर-चर की आवाज़ आती थी, ठीक है. I couldn't quite hear about what he said and I hope it doesn't matter. मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता है ना, ये मुझे उम्मीद है कि इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है. बिकॉज़ वन डे somebody oiled, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि किसी ने उस पंखे में जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ठीक है. हिज लिटिल बॉलिंग मोटर, और जो उसका मोटर था पीछे का जो पार्ट्स होता है, सीलिंग फैन देखते हो ना ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं बाउल की तरह, तो उसमें जो है कुछ किसी ने ऑयल डाल दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और सारी जो रहस्य था उसका ख़त्म हो गया. मीन्स कि जब वो बोल रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं पता लगाऊंगा कि ये आखिर बोलता क्यों है, लेकिन जब किसी ने उसमें ऑयल डाल दिया तो सारा मिस्ट्री ख़त्म हो गया. ही रैन एज स्टील एज वाटर, और वो ऐसे चलने लगा जैसे कि उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो या वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, स्मूथ एज अ वाटर, ठीक है. सो स्टोरी जो है ये थी, पूरी मिस्ट्री थी टॉकिंग फैन की. टॉकिंग फैन मीन्स होता है, आप समझ सकते हो कि फैन तभी बोलता है जब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है. तो इसको किसी ने बहुत अच्छे से, राइटर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और उसको एक दूसरा मोड़ दे दिया, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी पोएम कैसा लगा? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी. ओके, बाय बाय.